नमस्कार दोस्तों, मैं आपका DUBD सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल DUBD पे। बेसिकली हम इस कट ऑफ थर्ड कट ऑफ की बात करेंगे इस वीडियो में। जो गलतियां आपने या अदर कैंडिडेट्स ने सेकंड कट ऑफ में की, जहां वो एलिजिबल नहीं थे, विड्रॉ कर लिया फर्स्ट कट ऑफ का, वहां अप्लाई कर दिया, वहां से रिजेक्ट हो गया। इस कट ऑफ में आपके पास लास्ट चांस है। ऑलरेडी 70% सीट्स फिल हो चुकी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, 30% बची हुई है। उसमें भी कैटेगरी वगैरह बांटेंगे तो जनरल और OBC की तो बहुत कम सीट होंगी, मतलब EWS की भी बहुत कम सीट्स बची हुई हैं। इस कट ऑफ में क्या ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। बाकी आपकी क्वेरीज के लिए तो मैं हूँ ही, आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और DUBD ऐप को आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। कैसे करना है थर्ड कट ऑफ का मैं प्रोसीजर बता देता हूँ, चेक वगैरह क्या करना है। जैसे ही थर्ड कट ऑफ रिलीज होगी, 9:15 बजे के आसपास होती है कट ऑफ की पूरी बड़ी वाली PDF रिलीज, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप कट ऑफ डाउनलोड करोगे, मैं भी रात को 12-1 बजे तक DUBD में वो हमारी अपडेट हो जाती है, कट ऑफ आती है, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम उसको अपलोड कर देते हैं। तो 12-1 बजे तक रात को हम वहाँ भी लगा देंगे उसको। उसके बाद आप फर्स्ट कट ऑफ को खोलिए, सेकंड को और थर्ड को, तीनों में आप चेक करिए आप फर्स्ट और सेकंड में कहाँ एलिजिबल नहीं थे। उसके बाद आप थर्ड कट ऑफ में देखो कहाँ एलिजिबल हो, उस कोर्स में अप्लाई करो, उस कॉलेज में अप्लाई करो, नहीं तो आप प्लीज़ कैंसिल मत करो। जहाँ सेकंड कट ऑफ में आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट में लिया, उसको कैंसिल मत करना बिना श्योर हुए। एक बार आप खुद से लिस्ट बना लो, उसमें चेक कर लो, DUBD ऐप में मैं लगवा दूंगा, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आ जाती हैं लिस्ट वाइज 1, 2, 3, उनमें देख लो किसमें आप फर्स्ट और सेकंड में एलिजिबल नहीं हो, थर्ड में एलिजिबल हो। यार ध्यान रखो, क्योंकि सेकंड कट ऑफ में बच्चों से गलती होगी, फिर बोलते हैं भाई गलती होगी अब कुछ करवा दे, कुछ नहीं हो सकता। सिस्टम है उनका, कंप्यूटर है, आदमी नहीं बैठता वहाँ, कंप्यूटर जो एलिजिबल होता है उसी को उठाते हैं, उनको क्लिक करना होता है ओके या नॉट ओके। ये नहीं है कि थोड़ा ऊपर नीचे पॉइंट 25 था, ये था, वो नहीं मानते। मैंने यूनिवर्सिटी वालों से बात की, उन्होंने ये बता दिया साफ साफ कि सिस्टम अपने आप हमें ये दिखाता है किस किस का एलिजिबल है नहीं है, हमें बस क्लिक करना होता है। यार ध्यान रखो, बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट में पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछो, मैं आंसर तो देता ही हूँ हर बार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपका एडमिशन हो जाए हमें बहुत कुछ। और यार एक लास्ट इम्पोर्टेंट बात, पिछली बार ना कई कॉलेजेस की कट ऑफ गलत हो गई थी, तो काफ़ी लोगों ने तो बड़ी PDF में देख के पहले से विड्रॉ कर लिया जहाँ एडमिशन लिया था, और बाद में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि वो हमसे गलती होगी। जैसे वैंकी में 97.5 को उन्होंने 93.5 कर दिया था, कालिंदी कॉलेज में भी गलती हुई थी। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई हुई है कि कैसे कैसे क्या क्या गलती हुई थी ना। एक बार मतलब आप 12 बजे तक का वेट कर लेना मंडे को, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करना और दूसरे कॉलेज में अप्लाई करना, नहीं तो कॉलेज तो एक बार निकाल देंगे कि ये हमसे गलती हो गई थी, अब हम ये कट ऑफ मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे, लेकिन आपका एडमिशन फिर कहीं नहीं होगा एक बार अगर आप कैंसिल कर दोगे तो। मंडे को 12 बजे तक का वेट करो, कुछ गलती होनी होगी तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सेकंड कट ऑफ में कहाँ कहाँ उन्होंने बताया है गलती हुई है। वैसे ही थर्ड कट ऑफ में वहाँ पे कोई रैंडम टाइप से लिखा हुआ आ जाता है, मतलब नोटिफिकेशन की ये गलती हुई है, आप उसको देख सकते हो। 12 बजे तक का वेट कर लेना मंडे को, मान लो कॉलेज से कुछ गलती होती भी है आपको पता चल जाएगा, और मैं इंस्टाग्राम पे भी बता दूंगा। धन्यवाद।